क्या भगवान राम पर दो गुटों में बट गई है कांग्रेस? मोदी योगी के आने से कितने बदले कांग्रेसी, इन तस्वीरों से समझिए। सरयू में डुबकी लगाई, जनेऊ दिखाया, मंदिर में जोड़े हाथ, पर कांग्रेसियों ने अयोध्या में ऐसा क्या किया, मच गया बवाल। राहुल प्रियंका में नहीं है सब ठीक ठाक, प्रियंका के करीबी नेता ने उठाए सवाल, तो हो गई पुष्टि, ऐसे कैसे जुड़ेगा भारत? क्या राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस अब दो गुटों में बढ़ चुकी है, जिसमें पहला गुट है राहुल सोनिया का जो राम मंदिर जाने से परहेज करते हैं, जबकि दूसरा गुट है प्रियंका गांधी का जो कमलनाथ की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रियंका के करीबी नेता के बड़े दावे से पता चलता है, जिनके कहने पर ही यूपी कांग्रेस के बड़े नेता प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, घंटों तक ट्विटर पर माहौल बनाते हैं, पर वहां जाते ही ऐसी गलती कर देते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाता है। पहले वो बवाल समझिए, फिर बताते हैं राहुल प्रियंका के बीच सब ठीक नहीं है वाली बात कहां से आई। ये तस्वीरें कांग्रेस नेताओं की हैं, जो शायद ही पहले कभी आपने देखी होगी। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और दीपेंद्र हुड्डा हैं, जिनके साथ कांग्रेस नेताओं का पूरा ग्रुप मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा था। पर उससे पहले कई नेताओं ने नदी में डुबकी लगाई, ठीक वैसे ही जैसे मोदी योगी डुबकी लगाते हैं और तस्वीरें सामने आती है। मतलब इन्हें अब ये समझ आ गया कि सनातन का सम्मान नहीं किया तो जनता जो गिनी चुनी सीटें दे रही है वो भी नहीं मिलेगी। शायद इसलिए डुबकी लगाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। पर इसी के साथ इनसे ये गलती हो जाती है कि कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं। अब ये प्रभु श्री राम को क्या ये बताना चाहते थे कि कांग्रेस भी अब राम भक्त हो गई है, या जनता तक संदेश पहुंचाना चाहते थे, ये तो वही जाने। पर वहां किसी युवक ने इनका झंडा छीन लिया और फेंक दिया, जिस पर बवाल मच गया। पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंदिर दर्शन में पार्टी के झंडे का क्या काम था? अगर जनता को संदेश देना था तो नेताओं की तस्वीरें काफी थी। वैसे भी जनता तो सब जानती है कि भगवान राम के लिए किसने क्या किया, पर अभी चूंकि राममय माहौल है, 5 महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस भी शायद जनता की आस्था का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए मंदिर वाला प्लान एक्टिव कर दिया है। सियासत के जानकार तो ये तक दावा करते हैं कि प्रियंका गांधी के कहने पर यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे हैं, और वो भी प्रियंका गांधी के सबसे करीबी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों को सुनकर। वरना कांग्रेस तो राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम से ही दूर रहना चाहती थी, फिर मंदिर जाना तो दूर का सवाल था। इन्हें तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही भरोसा नहीं था, फिर पूजा करने क्यों जाते? पर कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, शायद इन्हें ये अक्ल अब आ गई हो कि प्रभु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। अब ये अक्ल अभी राहुल गांधी को नहीं आई है। प्रियंका के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर प्रभु श्री राम कृपा बनाए, पर मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने से लगता है भगवान राम का प्रकोप कांग्रेस पर शुरू हो गया है। यहाँ प्रियंका गांधी को लोग साइड करना चाहते हैं और राहुल गांधी को दौड़ाते रहते हैं। कांग्रेस पर खास लोगों का कब्जा हो गया है। इंडिया गठबंधन में बहुत से साथी हैं जिनका निशाना भाजपा कम, गांधी परिवार ज्यादा है। गांधी परिवार राम विरोधी नहीं है, क्योंकि गांधी जी राम को मानते थे और उनका हर काम राम जी का नाम लेकर शुरू होता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को कोई गलत ट्रैक पर ले जा रहा है, जहां से वोट की संभावना कम और विवादों में आने की संभावना ज्यादा होती है। राहुल अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलते हैं, तो उसका फायदा चुनाव में क्यों नहीं दिखता? क्या राहुल के सामने जानबूझकर गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को तलाशना चाहिए। पर हर सनातनी के लिए तो बड़ी बात यही है कि टोपी लगाने वाले कांग्रेस के नेता अब तिलक लगाने से भी परहेज नहीं करते, जो मोदी योगी की हिंदुत्व वाली राजनीति के बाद से भारत की सियासत में आया सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है। आप इस बदलाव पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।